दोस्तों आज मैं लाई हूँ आपके लिए इंस्टेंट और इजीएस्ट ब्रेड चॉकलेट केक। सिर्फ 3 मेन इंग्रेडिएंट्स के साथ ये चॉकलेट केक आप घर पे आसानी से बना सकते हैं। देख के आ रहा है ना आपके मुंह में भी पानी, तो क्यों ना इस रेसिपी को आप ट्राई करें। इस केक को बनाने के लिए जो भी इंग्रेडिएंट्स मैं आज इस्तेमाल करूँगी सबके घर पर आसानी से मिल जाते हैं। इस केक को आप किसी भी ओकेजन पे बना सकते हैं, मदर्स डे हो, फादर्स डे हो और या फिर स्पेशल बर्थडे हो किसी का, और वैसे ही मीठा खाने का मन हो तब भी आप इस केक को अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। इस केक को बनाने के लिए कोई बेकिंग की जरूरत नहीं है, गैस की जरूरत नहीं है, तो ये केक सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट में रेडी हो जाएगा और खाने वाले खाते रह जाएंगे। स्वागत है दोस्तों आपका अपने चैनल एसजी फूड वर्ल्ड में। अपने स्नेह और प्यार को बनाए रखें और सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल बटन प्रेस करें लेटेस्ट अपडेट्स एंड नोटिफिकेशन के लिए। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो इस इंस्टेंट केक को बनाने के लिए आपको लेनी है 9 ब्रेड, 1 डेरी मिल्क चॉकलेट और 1 ओरियो बिस्किट। बस ये 3 मेन इंग्रेडिएंट और आपका केक रेडी। अब सबसे पहले जो ब्रेड्स हैं उनकी साइज को कट कर लेंगे। आप एक साथ भी कट कर सकते हैं और सिंगल सिंगल भी कट कर सकते हैं। जो ये साइड्स आपने कट किए हैं इसे फेंकिएगा नहीं, इसे एक बार मिक्सी में घुमाइएगा और ये ब्रेड क्रम्स बन जाएंगे आपके। आप किसी भी चीज़ में इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपने सारी साइड्स कट कर ली हैं, उसके बाद जो 6 पीसेस हैं उसको एक साथ असेंबल करके एक कटोरी लीजिएगा और इसे सेमी सर्कल की शेप में काटेंगे, जैसे मैं आपको इस वीडियो में करके दिखा रही हूँ। ये कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसानी से हो जाएगा। जो भी सारी साइड्स हैं उसे कट कर लेंगे। कट करने के बाद ये कुछ इस प्रकार दिखेगा। अब हार्ट शेप केक बनाने के लिए जो ट्रिक इस्तेमाल होती है वो मैं आपको बताऊंगी। जो 3 ब्रेड थी स्क्वायर वाली वो बीच में रखिए और जो बाकी सेमी सर्कल वाली 3-3 ब्रेड के सेट्स हैं वो साइड में रखिए। देखिए कितना बढ़िया हार्ट शेप केक डिज़ाइन बना है। जब तक हम बाकी इंग्रेडिएंट्स रेडी करते हैं ब्रेड को ढक के रख देंगे। अब शुगर सिरप रेडी कर लेते हैं। एक बाउल में 2 टेबलस्पून वाटर लेंगे और 1 टेबलस्पून इसमें ऐड करेंगे शुगर। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब तक चीनी डिजॉल्व नहीं हो जाती इसको मिक्स करते रहेंगे। जो केक के ऊपर क्रीम बेस लगने वाला है उसको रेडी कर लेते हैं। उसके लिए एक ओरियो का बड़ा पैकेट यानी कि 30 रुपये वाला वो लेना है। जो भी इसके अंदर क्रीम लगी है वो सेपरेट कर लेंगे नाइफ़ की मदद से। नाइफ़ से जो क्रीम है उसको अलग रखते रहेंगे और जो बिस्किट्स हैं वो सेपरेट रखते रहेंगे। ऐसी सारी क्रीम्स को अलग कर देंगे और सारे बिस्किट्स को अलग कर देंगे। अब जो भी क्रीम्स हैं ये सारी एक एक करके इसको सर्कल की शेप देनी है। जैसे एक क्रीम लेंगे उसको रोल करेंगे, हल्का सा हाथ के बीच में रोल करते रहेंगे और इसको थोड़ा लंबा कर देंगे और फिर इसको गोलाकार की शेप दे देंगे, जैसे इस वीडियो में करके दिखा रही हूँ मैं आपको। सारी क्रीम्स को ऐसे ही सेपरेटली रोल करके सर्कल की शेप दे देंगे और इसको रेफ्रिजरेट कर देंगे थोड़ी देर के लिए। तब तक हम क्रीम बेस तैयार कर लेते हैं अपने केक का। जो भी बिस्किट्स हमने सेपरेट किए थे वो सारे इसके अंदर ऐड कर देंगे तोड़ तोड़ के, और साथ ही इसमें ऐड करेंगे 1/4 मिल्क रूम टेम्परेचर पे बिल्कुल। अब इसको ब्लेंड कर लेंगे। रेडी है हमारा क्रीम बेस। देखिए कितनी बढ़िया क्रीम बनी है, चॉकलेटी एकदम क्रीमी। ये इंस्टेंट ब्रेड चॉकलेट केक बहुत ही आसान है बनाने के लिए। लास्ट मिनट चॉकलेट केक आप कभी भी बना सकते हैं किसी भी ओकेजन पे। अब आपको लेनी है 1 डेरी मिल्क। आप कोई भी चॉकलेट ले सकते हैं जो आपके घर पे अवेलेबल हो, जो आपको पसंद हो। मैंने यहाँ पे 1 डेरी मिल्क ली है, उसको ग्रेट किया है ग्रेटर की मदद से। अगर बीच में आपको लगे कि चॉकलेट मेल्ट हो रही है तो आप इसको फ्रिज में रख दीजिए, ये बिल्कुल एज इट इज़ रहेगी। सारी चॉकलेट्स को अच्छे से ग्रेट कर लीजिए, ये हम डेकोरेशन के लिए यूज़ करेंगे। मैंने यहाँ पे पूरी 1 डेरी मिल्क ग्रेट करके ली है। सारे इंग्रेडिएंट्स रेडी हैं, अब इसको मैं असेंबल करूँगी। थोड़ा सा जो क्रीम बेस है वो मैं लगा दूँगी और उसके ऊपर रखूँगी ब्रेड ताकि ब्रेड हिले ना। इस तरीके से इसे सेट कर देंगे और इसके ऊपर मैं डालूँगी शुगर सिरप जो हमने रेडी किया था। पूरी शुगर डिज़ोल्व हो जाए तभी इसका इस्तेमाल करें। जो शुगर सिरप है वो थोड़ा लगाएं ताकि आपकी ब्रेड जो है सिर्फ कोट हो जाए, ज़्यादा नहीं लगाना है नहीं तो ये ब्रेड के पीसेस टूटने लगेंगे। अब मैं इसे लेयर करूँगी ओरियो पेस्ट के साथ जो मैंने ब्लेंडर में ब्लेंड किया था मिल्क के साथ। अच्छे से कोट कर लेंगे। अब इसे लेयर करेंगे ब्रेड स्लाइस के साथ।
उसके बाद सेम प्रोसेस रिपीट करना है, शुगर सिरप लगाएंगे और उसके बाद कोट करेंगे ओरियो पेस्ट के साथ। ये जितना मज़ा देखने में आ रहा है ना, उतना ही मज़ा डेफिनेटली आपको बनाने में भी आने वाला है, और उससे ज़्यादा मज़ा आने वाला है आपको खाने में। फिर से एक बार ही लेयर करेंगे ब्रेड स्लाइसेस के साथ, शुगर सिरप से कोट करेंगे, साइड्स में भी शुगर सिरप से थोड़ा सा कोट करेंगे। देखिए कितनी बढ़िया हार्ट शेप बनी है। अब फाइनली इसको कोट करेंगे ओरियो पेस्ट के साथ। ज़्यादा ज़्यादा पेस्ट लगानी है, जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ इस वीडियो में। जो आप पेस्ट बनाएंगे ना, उसमें ज़्यादा दूध ना डालिएगा स्टार्टिंग में, नहीं तो ये फ्लोई हो जाएगी। पहले कम दूध डालिएगा, अगर आपको लगती है ये गाढ़ी है तो एक दो चम्मच दूध और मिला के इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा पूरे साइड्स में और ऊपर, हर जगह से इसे कोट कर दीजिए चॉकलेट पेस्ट के साथ जो हमने तैयार की थी। वाओ, बहुत ही चॉकलेटी क्रीमी, अभी से इतना अच्छा लग रहा है, ये बनने के बाद तो मज़ा ही आ जाएगा। पूरा चॉकलेट केक को ओरियो पेस्ट के साथ कवर कर देंगे। ऑलमोस्ट रेडी है ये, जो भी एक्स्ट्रा चॉकलेट लग रही है वो आप वाइप आउट कर दीजिए टिश्यू से। अब जो चॉकलेट मैंने श्रेड करके फ्रिज में रखी थी उससे इसको पूरा कवर कर देंगे, स्प्रिंकल करेंगे और पूरा इस चॉकलेट केक को अच्छे से कवर कर लेंगे, जैसे मैं इस वीडियो में आपको करके दिखा रही हूँ। ज़रा सा भी स्पेस नहीं छोड़ना है, पूरा कवर करना है, बहुत ही सुंदर लगेगा, देखिएगा। अगर आप घर पे बनाएंगे ना इसे और किसी के लिए बनाएंगे, स्पेशल वन के लिए या किसी के लिए भी, तो कोई यकीन नहीं मान सकता कि ये आपने अकेले बनाया है ब्रेड और ओरियो बिस्किट्स के साथ। इतना टेस्टी, इतना यमी। और जो साइड्स में आप किसी कार्ड से या फिर ऐसी कोई पतली शीट से, ये केक की है, मैं इसकी हेल्प से साइड में पूरी श्रेडेड जो चॉकलेट है उसको फैला रही हूँ। हाथ से करने की कोशिश ना करें, ये आपके हाथ में चिपक सकता है। तो कोई ऐसे पतले कार्ड से आप इस श्रेडेड चॉकलेट को इस केक पे चिपका दीजिए। ये ऑलमोस्ट कंप्लीट है, अब इसे हमें बस डेकोरेट करना बाकी है। जो हमने क्रीम सर्कल्स बनाए थे उससे हम डेकोरेट कर देंगे इस चॉकलेट केक को। जो ये रिंग्स हैं आप मन मुताबिक अपने सेट कर सकते हैं जैसे आप चाहें। अब मेरे पास ये थोड़ी सी सिल्वर बॉल्स हैं, उसको मैं इस सर्कल में फिल कर दूंगी। आप चेरी भी यूज़ कर सकते हैं, सारे सर्कल्स में मैं सिल्वर बॉल्स फिल करूंगी, बहुत ही सुंदर लगती हैं ये। आपके पास जो भी डेकोरेशन के लिए वो आप ले सकते हैं। और बाकी सारे केक पे मैं कलरफुल बॉल्स, छोटी छोटी मेरे पास थी खाने वाली, वो मैं स्प्रिंकल कर रही हूँ। बहुत ही यम्मी टेस्टी ईजीएस्ट रेसिपी है ये, ज़रूर ट्राई करें इसको। जैसे मन चाहे आप इसको डेकोरेट कर सकते हैं और किसी भी ओकेजन पे बना सकते हैं। मैं बहुत ही हिट एंड ट्रायल के बाद ईजीएस्ट रेसिपी आपके साथ शेयर करती हूँ, तो इस रेसिपी को ट्राई करें, अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ शेयर करें और शेयर करें मेरे साथ अपने सजेशंस एंड कमेंट्स। मिलूंगी ऐसी ही और बढ़िया बढ़िया टेस्टी टेस्टी ईजीएस्ट और इंस्टेंट बनने वाली रेसिपीज के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।